दोस्तों गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने नियमित आधार पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 62 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल किया है और साथ ही कोंकणी भाषा का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जीईडी यानी गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पावर या इलेक्ट्रिसिटी विभाग में नियमित आधार पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 62 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल पदों में से 31 पद सामान्य वर्ग के लिए, 20 पद ओबीसी के लिए, 1 पद एससी के लिए, 7 पद एसटी के लिए और 3 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। पद के लिए मांगी गई शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हो। इसी के साथ जरूरी है कि आवेदक को कोंकणी भाषा का ज्ञान भी हो। पद के लिए आवेदक को मासिक वेतन विभाग के नियमों के अनुसार प्राप्त होगा। तय उम्र सीमा के मुताबिक आवेदक की उम्र 18 जनवरी 2018 तक अधिकतम 45 वर्ष होना अनिवार्य है। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग व सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट सरकार के आदेशों के अनुसार दी जाएगी। जॉब का स्थान है गोवा। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क के तौर पर आवेदकों को ₹100 का भुगतान करना होगा। आवेदन पत्र आप 22 जनवरी 2018 से 2 फरवरी 2018 तक power/electricity डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर विद्युत भवन पणजी गोवा या ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किल 1S एक्विम मरगांव से प्राप्त कर सकते हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 6 फरवरी 2018 शाम 5 बजे तक इस पते पर भेज सकते हैं। पता है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन power/electricity डिपार्टमेंट 4th फ्लोर विद्युत भवन पणजी गोवा या ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किल 1S एक्विम मरगांव। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।